भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के आदेश का किया गया अनदेखा। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से इस महामारी के संकट में कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह पर कोविड अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, कोई क्वारंटाइन बनाया जा रहा है, तो वहीं पर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के चार्ज लेने के बाद हम आपको बता दें कि जिस तरह से भिवंडी शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्राइवेट अस्पताल के लोग मनमानी तौर पर कोविड के पेशेंट को अनदेखा करते हुए उन्हें ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, तो वहीं पर आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 5 के नगर सेवक बाबा बाउद्दीन ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल करके विशेष तौर पर अपने वक्तव्य में कहा कि महानगर पालिका के आयुक्त का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल के लोग। क्या माजरा है, देखिए इस विशेष एपिसोड को। अस्सलाम वालेकुम, मैं नगर सेवक बाबा बाउद्दीन अंदर बगरे हॉल पे जो हमारे निजामपुरा मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों से हमारे कमिश्नर आयुष जो आए हैं, इन्होंने एक वीडियो ऑडियो डाला था और मैंने भी वो शेयर किया था कि भिवंडी में कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट्स को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये झूठ सफ़ेद झूठ है। आज भी भिवंडी के तमाम हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को नहीं ले रहे, उनकी जैसे भी उनके हाथ में HRCT की रिपोर्ट आती है और उसमें थोड़ा बहुत भी निमोनिया दिख रहा है तो सीधा पेशेंट्स को ये बोल के आगे भेजा जा रहा है कि हमारे पास कोविड हॉस्पिटल नहीं है। तो ये भिवंडी के आवाम के साथ में जो है, हमारे कमिश्नर साहब ने सिंघम के जैसा एक ऑर्डर निकाले थे कि मैं हॉस्पिटल को सील कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ है। अब मेरे साथ में मेरे अभी सेंटर पे एक पेशेंट आया है, ये पेशेंट अभी तक डायलिसिस उसको चालू नहीं हुआ है, माइट भी पॉसिबल कि इसको एक पहला डायलिसिस लग सकता है। इनकी HRCT की रिपोर्ट भी आई है, इनकी HRCT की रिपोर्ट हमारे क्लिनिक के ऊपर MP डॉक्टर बैठे हुए डॉक्टर एमन बर्डी, उन्होंने चेक किया, उनका कहना है कि इनको एकदम लीस्ट निमोनिया है, मतलब आप कह भी नहीं सकते कि इनको मेजर निमोनिया और ये कोविड हो सकते हैं, लेकिन इनको कम से कम भिवंडी के 5 हॉस्पिटल से वापस भेजा गया है। अब मैं ये बात इनके यही आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है जी। मैं इनको कई हॉस्पिटल में लेके गया जहाँ पे, और पेशेंट की जो मेरी कंडीशन है आप चाहो तो उसका भी वीडियो दे सकते हो, वो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। मैं सुबह में 12:30-1 बजे से मैं लेके घूम रहा हूँ और अभी तक मैं घूम रहा हूँ, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं अदा हो पाई है इस वजह से। और मैं इनको मेन जो फ्रैंक हॉस्पिटल है, फ्रैंक हॉस्पिटल में वहाँ पे डायबिटीज सेंटर भी अवेलेबल है, डायलिसिस का डायलिसिस सेंटर अवेलेबल होने के बावजूद वो लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, आप ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट भी करवा लिए, उसके बावजूद भी उनका कहना है हमारे पास वो जो किडनी के डॉक्टर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, उनके कंडीशन सीरियस है, मतलब XYZ वो एक्सक्यूज बना के भेज दिए। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे भांगे हॉस्पिटल में भी आए, बातचीत किए, डॉक्टर ने बोले ठीक है ओके, मैं रिपोर्ट देखता हूँ और रिपोर्ट देखने के बाद में उनको मैं एडमिट कर लेता हूँ, पर भांगे हॉस्पिटल ने भी अभी तक उनको एडमिशन नहीं दिया, सिर्फ ये बोल के कि उनकी रिपोर्ट जो है उसमें कोविड हो सकता है और हो नहीं भी सकता है। बोले अगर ऐसे केस में, सस्पेक्टेड केस में मैं अगर इनको रखता हूँ तो मेरे और भी जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट भी बोले उनको खतरा हो सकता है, ये बोल के उन्होंने उनको नहीं लिया, जबकि वो चाहते तो ले सकते थे, फ्रैंक हॉस्पिटल चाहता तो ले सकता था, ये लोग दोनों के हाथ में था, अगर ये चाहें तो पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से मैं अगर 1 घंटा और अगर लेके गया तो मैं समझता हूँ कि शायद पेशेंट यहीं दम तोड़ देगा और उसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ ये तमाम हॉस्पिटल वाले ही होंगे जो हर पेशेंट को यूँ ही जो है ना भेजते चले जा रहे हैं। आप और कौन से हॉस्पिटल में गए थे? मैं वाघमारा हॉस्पिटल में गया था, वाघमारा हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मुझे दवाई सजेस्ट की, मेडिकेशन सजेस्ट किया कि इम्तियाज भाई मैं टेम्पररी आपको जो है मेडिसिन देता हूँ, लेकिन इनको इमरजेंसी वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे डायलिसिस सेंटर है, इनको इमरजेंसी डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बोले आपके बोलने पर मैं रख सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे पास डायलिसिस नहीं, मैं रख के करूँगा क्या। और उसके बाद खातूनजी काजी हॉस्पिटल में भी गया, खातूनजी काजी हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, जो वहाँ पे जो बाहर जो आदमी जो नजीब डॉक्टर जो नजीब हैं वो वहाँ रहते हैं, उन्होंने 2-3 बार मुझको बुलाया बात किया, वो बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, अगर बेड अवेलेबल होता तो हम आगे देखते, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, अब वो देखते तो वो पता चलता कि वो लेते या ना लेते, बहरहाल उन्होंने देखना ही मुनासिब नहीं समझा, वो बोले हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हम नहीं देखेंगे। अभी इन्होंने जैसा आपसे कहा कि ये 4 से 5 हॉस्पिटल भिवंडी के गए और इसमें इन्होंने खातून भी काजी का भी जिक्र किया, खातून भी काजी में मैं सेल्फ, मुझे पता है कि वहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट हैं, कि लगभग 6 से 7 पेशेंट मेरे ही है जिन्होंने, यासिन काजी कोविड पेशेंट भी ले रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है, वो आउट ऑफ वे जाके ले रहा है, वो मैंने उसके बारे में क्रॉस चेक भी किया, वहाँ पे बेड नहीं खाली है, लेकिन बचे हुए जितने हॉस्पिटल्स हैं
कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर निकाले वो ऑर्डर सिर्फ पेपर के ऊपर है, और ये हमसे पूछते हैं कि आप लेके आओ कंप्लेंट हमारे पास, हम FIR करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे भिवंडी शहर के आंखों में, मैं कहता हूँ, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज भी भिवंडी के हॉस्पिटल्स हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं जिनके अभी तक रिपोर्ट नहीं, इनको हाथ लगाने तैयार नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब को आप इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये तमाशा बंद करो, और अगर आप ये जो क्वारंटाइन सेंटर ज़बरदस्ती के बना रहे हो, यहाँ पे क्वारंटाइन, हमको क्वारंटाइन सेंटर नहीं चाहिए, हमें आइसोलेशन सेंटर चाहिए, हमें जहाँ इलाज होगा, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चाहिए। 15 एम्बुलेंस इन्होंने लाए हैं, 15 एम्बुलेंस, एक भी एम्बुलेंस में इनके ऑक्सीजन नहीं है, मतलब फिर आपने एम्बुलेंस लाए क्यों है? क्योंकि आज कोविड पेशेंट को सबसे पहले एम्बुलेंस ही लग रही है, मतलब आप सिर्फ ज़बरदस्ती की वाहवाही ले रहे हो कि IAS ऑफिसर भिवंडी में आया, उसने जादू की छड़ी ये कर दिया, देखिए आप किस तरीके से भिवंडी चेंज होएगा। भिवंडी की वही हालत है, बहुत बुरी हालत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इन बात पे गौर करें, अगर इस बात पे गौर नहीं किया गया, आज का दिन है, मंडे के दिन सुबह में गेट के कॉरपोरेशन के गेट के अंदर धरने पे बैठ जाएंगे हम, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भी बैठने के लिए तैयार है। ये जो भिवंडी की आवाम के साथ में मौत का खेल खेला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं IAS हमारे नए हैं, इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कहीं कड़ी से कड़ी, अभी के अभी इसको तो बेड इंशाल्लाह मैं कहीं ना कहीं दिलाऊंगा, इंशाल्लाह इसे तो इंशाल्लाह मैं, अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, इंशाल्लाह ये पेशेंट को कुछ नहीं होएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत भिवंडी में गलत हो रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बैठ के तमाम लोगों ने, इसके ऊपर तमाम बाशऊर लोगों ने, सियासी लोगों ने, जितने पावरफुल लोग हैं भिवंडी के, उन्होंने गौर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अब घर बैठे अपनी कार को शानदार लुक देने का तरीका हुआ और भी आसान, क्योंकि कैप्टन कार एक्सेसरीज बंजार पट्टी नाका भिवंडी आपको दे रहे हैं फ्री होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। म्यूजिक सिस्टम या विंडो कवर या सीट कवर या अन्य कार एक्सेसरीज के जरिए अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही कॉल करें और अपनी कार को स्वर्ग बना दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News, धन्यवाद।